दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था, ग्रैनी शॉन को पकड़कर ले जा रही थी। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड हेलीकॉप्टर में बैठकर ग्रैनी का पीछा कर रहे थे। ग्रैनी और ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर की स्पीड बढ़ाकर अपने पुराने घर पर लाते हैं। वहाँ जॉम्बीज भी होते हैं। उन्होंने शॉन को पेड़ पर उल्टा लटकाया और ग्रैनी शॉन को मारने लगी। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को ग्रैनी का हेलीकॉप्टर कहीं नहीं दिख रहा था। बाबा हेलीकॉप्टर को अपने घर पर लाते हैं और जादुई छड़ी में शॉन का पता लगाते हैं। बाबा को जादुई छड़ी में शॉन ग्रैनी के पुराने घर पर दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड हेलीकॉप्टर में बैठकर ग्रैनी के पुराने घर पर आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को कहते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड नीचे उतरकर ग्रैनी के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां जेसन आ जाता है। जेसन रॉड को मारता है और गुल्ली बुल्ली को पकड़ लेता है। और अब आगे की स्टोरी। जेसन गुल्ली बुल्ली को पकड़कर ग्रैनी के पास ले जाता है। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? बाबा बोलते हैं, उन लोगों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। उन लोगों को जल्दी छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। जॉम्बी जेसन से कहता है, इस बाबा को मार दो, इसी ने हम लोगों को हेलीकॉप्टर से मार कर नीचे गिरा दिया था। जेसन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और बाबा से कहता है, हिम्मत है तो नीचे आकर दिखा। बाबा ये सुनकर भड़क जाते हैं और हेलीकॉप्टर से नीचे आने लगते हैं। बाबा नीचे आते हैं और जॉम्बी को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। जॉम्बी को मारकर बाबा जॉम्बी को लेजर से जला देते हैं। ये सब देखकर बाकी जॉम्बी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दौड़कर वहां से भागने लगते हैं। बाबा उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर सारे जॉम्बीज बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा एक एक कर सारे जॉम्बीज को मारते हैं और फिर बाबा अपनी लेजर से सारे जॉम्बीज को जला देते हैं। चला जा बुड्ढे, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। जेसन ने बाबा को मार दिया है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं। बहुत अच्छा किया जेसन, चलो अब जल्दी से इन्हें जॉम्बी बना देते हैं। रुक जाओ ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन, उन लोगों को मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ये कैसे होश में आ गया? जेसन रॉड को एक थप्पड़ लगाता है जिससे रॉड दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। जेसन गुल्ली बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ सुरक्षा का वच बन जाता है। इसे यहाँ किसने बनाया? इसे मैंने बनाया है, और अगर तुमने गुल्ली बुल्ली को छूने की दोबारा कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ग्रैनी बाबा से कहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपनी जादुई शक्तियों से जला दूंगी। बाबा ग्रैनी के हमले से बच जाते हैं। बाबा ग्रैनी को मारकर उसे अपनी लेजर से जला देते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैंडपा दौड़कर बाबा की तरफ जाने लगते हैं। बाबा ग्रैंडपा को मारते हैं जिससे ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा ने ग्रैंडपा को जमीन में गाड़ दिया है। बाबा अपनी लेजर से ग्रैंडपा को जला देते हैं। जेसन ये सब देखकर बहुत भड़क जाता है। जेसन दौड़कर शॉन की तरफ आता है और शॉन को पकड़ लेता है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा प्यारा शॉन नहीं बचेगा। बाबा ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं, शॉन को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन बाबा चालाकी से अपनी लेजर से जेसन को मारने की कोशिश करते हैं। जेसन बाबा के हमले से बच जाता है। अब तुम्हारा प्यारा शॉन नहीं बचेगा, मैं अब इसे मार दूंगा। बाबा ये देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन जेसन उस चाकू से शॉन को मार देता है। ये क्या, ये तो खिलौने वाला चाकू है। जेसन ये देखकर बहुत डर जाता है। जेसन को समझ में आ गया था, जेसन अब नहीं बचने वाला। जेसन वहां से भागने लगता है, लेकिन बाबा जेसन को भी मार देते हैं और जेसन को भी अपनी लेजर से जला देते हैं।
बाबा ने सभी मॉन्स्टरों को मार दिया है और बाबा ने गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को बचा लिया है। सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।